पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये कहते हैं आपके पास एक कंटेनर है, ये रहा आपका कंटेनर, इस कंटेनर में लिक्विड वाटर भरा पड़ा है, बिल्कुल टाइट है, कोई एयर नहीं है, ये रहा। यहां पर तीन पिस्टन है, पहला पिस्टन ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों मूवेबल है। मैंने इस पिस्टन को फोर्स दी एफ और इसको दबाया ताकि यहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाए, क्योंकि पानी कंप्रेस होगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैंने एफ फोर्स लगाई और पिस्टन का एरिया ए था, तो मैंने कितना प्रेशर लगाया, फोर्स अपॉन एरिया, ये मैंने प्रेशर लगाया। अब होगा क्या, ये पिस्टन दोनों कहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे, ऊपर, जो इसको दबाओगे तो ये ऊपर जाएंगे, पर मैं नहीं चाहता ये ऊपर जाएं, मैं इनको पकड़ के रखता हूँ और फोर्स नीचे लगाता हूँ ताकि हिले भी ना। अब मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी इनको पकड़ के रखने के लिए, तो जहां का एरिया ट्वाइस सेट, यहां से ट्वाइस सेट, टू ए, तो मैंने ये चेक किया, यहां मुझे फोर्स डबल लगानी पड़ी, टू एफ बाई टू ए, और यहां पर पिस्टन का एरिया हाफ है ए बाई टू, और मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ी इसको पकड़ के रखने के लिए, एफ बाई टू। और मैंने एक चीज नोट की कि नीचे से जो प्रेशर डेवलप हुआ था कितना डेवलप हुआ था, एफ बाई ए, उतना ही प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ और उतना ही यहां डेवलप हुआ, उतना ही यहां, यहां और यहां डेवलप होगा, तो तभी तो टू एफ में टू ए हो गया और एफ बाई टू में ए बाई टू हो गया, ताकि प्रेशर रिमेन्स सेम। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप एक एनक्लोज फ्लूड लें और आप किसी भी एनक्लोज फ्लूड के एक कोने पे प्रेशर बढ़ा दें, वो बढ़ा हुआ प्रेशर दीवार के हर कोने पे इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ये करते भी तो हैं, आप एक गुब्बारा ले लें, बैलून ले लें, पानी भर दें और उसमें पिंस मार के होल कर दें, अब होगा क्या, आप एक तरफ से दबाएंगे पूरे होल में से इक्वल पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई ये तो नहीं होगा कि एक होल में से निकल, बाकी क्या मैं तो निकाल लूंगा, नहीं, प्रेशर क्योंकि बराबर है, टाइट है, तो बराबर पानी निकलेगा। ठीक, पिचकारी है, यही तो प्रिंसिपल है, पीछे से वो आप पिस्टन वो दबाते हो तो आगे से वो पानी आगे की तरफ जाता है, तो जितना प्रेशर यहाँ डेवलप होगा उतना प्रेशर आगे डेवलप होगा, तो प्रेशर एक तरफ से अगर आप इंक्रीज करेंगे तो दीवार के हर कोने पे इट विल रिमेन सेम। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है, इट स्टेट्स दैट इन एन एनक्लोज, भाई ओपन ओपन बर्तन में मत ले लेना पानी, और फिर वो पास्कल नहीं लग रहा, बंद होना चाहिए हर तरफ से, एनक्लोज फ्लूइड, इफ एन इंक्रीज प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, किसी भी कोने पे अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, देन दिस चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, बिना कम हुए ट्रांसमिटेड हो जाएगा टू ऑल पार्ट ऑफ द फ्लूइड, सभी पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट का प्रेशर आप बढ़ाएंगे, बाकी पूरे कंटेनर के हर पॉइंट का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यह है आपका पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ, व्हाट इज पास्कल लॉ, डेफिनेशन आएगी, एक्सप्लेन करने को आएगा, एंड ऑल्सो डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, कहेगा एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट को एक्सप्लेन करो। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, इमेजिन करो ये डायग्राम बनाने आपने उसमें पेपर में, ये आपके पास एक एनक्लोज एनक्लोज फ्लूइड है, बंद है, यहां पर एक सपोज करो गाड़ी है, एक गाड़ी को उठाना है आपने, आपको मैं कैसे गाड़ी उठाऊंगा, आप एक हाथ से उठा देंगे, तो आप गाड़ी को यहां रख दें और ये पिस्टन है, ये भी पिस्टन है, पिस्टन का एरिया अपने हिसाब से चूज कर लें, इसका एरिया ए है और इसका एरिया छोटा है या छोटा पिस्टन है, आप यहां से एफ फोर्स लगाएं तो ये प्रेशर कितना डेवलप करेगा, एफ बाई ए, वो प्रेशर सीधा यहां डेवलप हो जाएगा, कितना, कैपिटल एफ बाई कैपिटल ए। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ एफ बाई ए, एफ बाई ए बराबर है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ बाई ए इज इक्वल टू एफ बाई ए से मैं कैपिटल एफ निकाल लेता हूं, कैपिटल एफ क्या आएगा, ये आएगा कैपिटल एफ, आ गया एरिया पिस्टन के मैंने डिजाइन करने हैं, मैं छोटे वाला एरिया सपोज लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, बड़े वाला एरिया लेता हूं 1000 मीटर स्क्वायर, मेरी मर्जी, बड़ा पिस्टन है, तो आप चेक कर लो जो वहां पे फोर्स डेवलप होगी वो 1000 टाइम्स एफ हो जाएगी। तुम इधर से अपने हाथ से सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लगा देना, बस, ओनली 2 न्यूटन, और गाड़ी को कितनी फोर्स मिलने वाली है, 2000 न्यूटन, 2 न्यूटन का 2000 न्यूटन, पूरी की पूरी गाड़ी एक हाथ से उठ जाएगी, है कि नहीं कमाल की, इसे फोर्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर कर दिया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, वो हाइड्रोलिक जैक भी तो आता है, गाड़ी में पंचर लगता है जो लगवाते हैं, वो एकदम एक हाथ से पूरी गाड़ी उठ जाती है, वो भी तो सेम प्रिंसिपल है, तो अंदर अंदर उसके ऑयल होता है, वो लीक भी हो जाता है कभी कभी,
तो ऑयल होता है वो ऑयल की ऐसी ही सेम एग्जांपल है, वो एक तरफ से छोटी फोर्स लगाते हैं हैंडल पे और वहाँ फोर्स मल्टीप्लाई होती है, पूरी गाड़ी को उठा देती है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका? क्लियर है? पास्कल लॉ प्रेशर विल रिमेन सेम सेम, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी सेम प्रिंसिपल है। इतनी बड़ी गाड़ी रोक देती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, मतलब एक आप सिर्फ पैर से क्या टच ही तो करते हो और इतनी बड़ी गाड़ी रुकने को तैयार है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, वो भी दिखा दूंगा कैसे है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट वन। अब सेब काटना है तो यार तीखा चाकू चाहिए ऑब्वियसली इसका, क्योंकि एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन दी वुडन स्लीपर्स, तो रेलवे ट्रैक जो है वो लकड़ के स्लीप जो फट्टे हैं उनके ऊपर बिछाया जाता है, क्योंकि वो लकड़ के वुडन प्लैंक्स क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं। ट्रेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मिट्टी की तरफ धस जाएगी, वो आपके ट्रैक धस जाएंगे नीचे की तरफ, तो आप एरिया बढ़ा के क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलेगी नीचे धसेंगी नहीं। डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन अ सैंड, और कैमल तो आसानी से मूव कर लेता है, वो बंदे के पैर तो छोटे हैं, कैमल के पैर भी तो बड़े हैं, प्रेशर कम लगता है उसके पैरों पर, हमारे पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। और ऐसी पिन एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स, पिन और नेल्स जो हैं आगे तीखे होते हैं, एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज़्यादा, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस है।